देखिए ये बढ़िया घट मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है, इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो। विजय, विजय मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सर, मेरा सवाल है सर, अभी कुछ दिनों पहले आपने ट्वीट किया था सबको राम राम, वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। काल्पनिक सवाल है। देखिए ये भी काल्पनिक सवाल है, मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय, अरे मैं नहीं बना रूँ गाऊँ, बड़ा अन्याय हो गया, काय का अन्याय हो गया। अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है, ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूँ बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। सर आपकी लगातार आदत है 24/7 बिजी रहने की, अब फिर क्या प्लान किया है लगातार आगे व्यस्त रहने की? व्यस्त तो रहूंगा, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा, अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा, फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए।